तो आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम GAZE PLIOT प्लॉट अटैक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये रिसेंट एक्सप्लॉयट है, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयट भी हम मान सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्या हुआ है कि GAZE प्लॉट अटैक जो कि एप्पल वर्जन प्रो में एक्चुअली पाया गया है, ओके, एक सोफिस्टिकेटेड वल्नरेबिलिटी है जो कि एक्सप्लॉयट किया है गैज कंट्रोल डिवाइसेस या फिर टाइपिंग फीचर्स को, ठीक है। सो देर आर डिटेल, ठीक है, एक डिटेल बैकग्राउंड है और जो कि इन डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज मिला है। तो फिर पहला है क्या कि अटैक मैकेनिज्म। सो बेसिकली जब हम अटैक मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फोक्स, सो बेसिकली क्या होता है कि विजन प्रोस, ठीक है, जो अलाउ करता है यूजर्स टू इनपुट टेक्स्ट, किसके यूज करके, वर्चुअल कीबोर्ड, ओके, बाई लुकिंग एट द कीज दैट दे वॉन्ट टू प्रेस, ओके, नोन एज गैज टाइप, ओके। सो अटैकर कैन एक्सप्लोइट दिस फीचर बाई एनालाइजिंग द आई मूवमेंट्स, ठीक है, आई मूवमेंट्स, ठीक है, गैज मूवमेंट्स या फिर आई मूवमेंट्स, शिफ्टिंग ऑफ आवर आई मूवमेंट्स, ठीक है, ऑन वर्चुअल अवतार्स, ओके, विच इज डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजर फेस एंड मूवमेंट इन द विजन प्रो एनवायरनमेंट। तो ठीक है, तो फिर विजन प्रो एनवायरनमेंट में बेसिकली फेस रिकॉग्नाइजेशन के इमेज प्रोसेसिंग जो बोलते हैं, राइट, फेस रिकॉग्नाइजेशन प्रोजेक्ट, आप ईसी स्टूडेंट या फिर कहीं पे भी, मतलब इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ ईसी, यू हैव नो अबाउट ओपन सीवी प्रोजेक्ट या फिर इमेज प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत बेसिकली इमेज या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन करके हमारा आई बॉलिंग या फिर आई गैजेट का मूविंग करके एक्चुअली कंप्रोमाइज करने लगते हैं या अटैक्स करने लगते हैं ड्यू टू दिस वल्नरेबिलिटी, ठीक है। सो SCA स्कैट्स एंड फिक्सेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि व्हेन ए यूजर टाइप्स यूजिंग गैज, ठीक है, तो देर आई मूवमेंट्स बिटवीन आईज स्कैट एंड फिक्सेशन ऑफ ए पर्टिकुलर की कैन ट्रैक्ट, ठीक है। तो रिसर्चर डेवलप एल्गोरिदम, ओके, सो डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज मूवमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द की के बींग्स एक्सप्रेस्ड, ओके, सो दिस अलाउस अटैकर्स टू इन्फर द टेक्स्ट, ओके, बींग टाइप्ड एंड इंक्लूडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हो गया पासवर्ड, हो गया ईमेल, हो गया URL, हो गया वो सब कुछ बेसिकली ले सकते हैं फोक्स, ठीक है। तो डाटा एंड मॉडल ट्रेनिंग, तो बेसिकली डाटा एंड मॉडल ट्रेनिंग जब हम डिस्कस करेंगे, सो ग्लैज प्लॉट अटैक जो कि रिफाइंड यूजिंग सुपरवाइज्ड मशीन्स, ठीक है, लर्निंग मॉडल, ओके, जो दीज मॉडल्स, ओके, आर वेल ट्रेन, ठीक है, बहुत ही सक्षम मात्रा में ट्रेन हुआ है डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, वर्चुअल अवतार्स में ऑफ 30 इंडिविजुअल्स, ठीक है, किसके यूज करके, विजन प्रो डिवाइसेस बेसिकली यूज करके, जो कि एनालाइज करता है हमारा आई बॉल मूवमेंट्स को, ठीक है, अवतार बिहेवियर्स को, ओके। सो इसमें अटैकर्स बेसिकली क्या होता है कि ए हाई प्रिवेंशन और प्रिकॉशन एंड रिकॉल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक की स्ट्रोक्स, ओके, फॉर टाइपिंग सेशन, ठीक है, बेसिकली आइडेंटिफाई होता है फोक्स। सो प्राइवेसी एंड इम्प्लीकेशन, पैच एंड रिजोल्यूशन एंड वाई इट्स सिग्निफिकेंट थ्रेट, ठीक है, तीन अगर डिस्कस करेंगे तो प्राइवेसी एंड इम्प्लीकेशन में बेसिकली क्या होता है, द मोस्ट सीवियर इम्प्लीकेशन ऑफ दिस अटैक वॉज एबिलिटी टू रिमोटली रिफर यूजिंग इनपुट्स, ठीक है, इवन ड्यूरिंग लाइव इंटरेक्शन लाइक वीडियो कॉल्स हो गया या फिर नॉर्मल मीटिंग्स हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज करके बेसिकली वो क्या करता है, स्टील कर देते हैं अपना क्रेडेंशियल को। ये एक्चुअली इसमें ये भी होता है कि अटैकर्स कुड पोटेंशियली स्पाई ऑन यूजर एंड स्टील देयर क्रेडेंशियल, ठीक है, और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या फिर सिंपली एनालाइजिंग द अवतार्स आई बॉल मूवमेंट्स को, ठीक है, विदाउट डायरेक्ट एक्सेस टू द हेडसेट, ओके, इटसेल्फ। सो पैच एंड रिजोल्यूशन एंड वाई इट्स सिग्निफिकेंट थ्रेट दो डिस्कस करेंगे। तो फिर पैच मैनेजमेंट में जो डिस्कस करेंगे, तो एप्पल पैच ऑफ द वल्नरेबिलिटी इन वर्जन OS 1.3 में बेसिकली वो पैच किया गया बाई सस्पेक्टिंग द पर्सनल अवतार्स वेयर द वर्चुअल कीबोर्ड्स इज एक्टिव, ठीक है, सो दिस इफेक्टिवली स्टॉप्स एनी गैज मूवमेंट फ्रॉम बींग कैप्चर्ड एंड एक्सप्लोटेड ड्यूरिंग टाइपिंग सेशन, ठीक है। तो बेसिकली द फिक्स वॉज इंक्लूडेड इन अपडेटेड वर्सन और रिलीज ऑफ July 29, 2024 एंड द वल्नरेबिलिटी वॉज फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड एज CVE 2024-40865, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट थ्रेड में बेसिकली क्या होता है, फॉर दिस अटैक इज पर्टिकुलरली कंसर्निंग बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, पहली बार ये आई बॉल गैजेट मूवमेंट के दौरान वल्नरेबिलिटी पाया गया है जिसके वजह से कंप्रोमाइज या फिर पोटेंशियल लीकेज भी हो सकता है, ओके, इज ए मिक्सड रियलिटी एनवायरमेंट, ठीक है। सो विजन प्रो रिलायंस ऑन वर्चुअल अवतार्स एंड इमर्सिव इंटरेक्शन मेकिंग इट वल्नरेबल, ओके, टू यूनिकली फॉर्म ऑफ डाटा थेफ्ट, ओके, वेयर अटैकर डू नॉट नीड
फिजिकल एक्सेस बट कैन स्टडीली ऑब्जर्व बिहेवियर वाया वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, आई होप फोक्स यू हैव रियली एन्जॉयड दिस कंटेंट। सो टिल देन थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट फोक्स।